अच्छा जी, तो मैडम यहाँ बैठी हैं, मैं पूरा कॉलेज ढूंढ कर आ गई हूँ और स्पोर्ट्स में भी नहीं आई, कहाँ जाऊँ मैं? मेरी हिम्मत टूट चुकी। बस करो ईमान, तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो? यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। स्ट्रॉन्ग जो बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही कमजोर होता है। एक तो तुम जो ये बुक्स पढ़ती हो ना, ये अच्छे खासे इंसान को पागल करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ईमान, परेशान मत हो, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, वो मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, हम चल के उनसे अपने रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, किन चक्कर में पड़ी हुई हो तुम? क्या रिमान, वो कोई आमिल बाबा नहीं है, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि जब उसका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था ना, तो वो बहुत परेशान थी, वो उन्हीं के पास गई थी और उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं, प्लीज चुप होके बैठ जाओ। यार ईमान प्लीज चलो ना यार, मैं उनसे अपने रिजल्ट और फ्यूचर के बारे में पूछूंगी। अच्छा अगर तुम्हें समझ ना आए ना, तुम फौरन वापस आ जाएंगे, प्लीज चलो। चलो अजीबो गरीब जगह ना, वापस आ जाएंगे। बाबा जी ये ना मेरे दोस्त बहुत परेशान है, आप इसके लिए कोई दुआ कर देना और ये बताएं इसके आगे वाले ज़िंदगी में क्या होगा और इसकी परेशानियों से कब जान छूटेगी। और बाबा जी हमें बताएं हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कितने मार्क्स आएंगे हमारे? बेटा मैं कौन होता हूँ अंदाज़ा लगाने वाला, आगे का हाल तो सुनहरा भी जानता है। लेकिन मैंने तो सुना था आपको गैब का इल्म है, तो आप कुछ तो बताएं ना। बेटा गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। तो फिर लोग क्यों आपके बारे में ऐसा कहते हैं? मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अच्छा बाबा जी आप एक काम करें, आप ये रख लें, आप हमारे बारे में कुछ तो बताएं ना। ये पैसे आप उठाएं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, और गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। बाबा जी कुछ तो बताइए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, हम अपने पैरों पर खड़ी हो भी पाएंगी या नहीं? असल इम्तहान तो ज़िंदगी का है, जो बहुत सख्त है, और उसमें तुमने फेल नहीं होना है, हार नहीं माननी है, बहुत सख्त इम्तहान आने वाला है, सबर कर लिया तो हाल भी कामयाब, मुस्तकबिल भी और आखिरत नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं, बस यही है तुम्हारा काम, बाकी सब ऊपर वाले भी छोड़ो।